हाँ वाइब्रेट करता रहेगा, मतलब कि अगर हम फ्लो कराएंगे तब। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, आपका पहला है डायमंड, दूसरा है ग्लास, ठीक है। तो ये जो आपका डायमंड है वो क्रिस्टलाइन है और ग्लास जो है अमॉर्फस है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, तो डायमंड की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इनके बीच के जो पार्टिकल्स है कार्बन कार्बन, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, फिक्स सेम डिस्टेंस। बट ग्लास में क्या है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, अनडिफाइंड है। इसका देखिए डिफाइंड है, ठीक है। हाँ ये क्रिस्टलाइन हो गया, क्रिस्टलाइन मतलब इसका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। एमॉर्फस का मतलब इसको हम अगर हीट करेंगे या इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपका है क्रिस्टलाइन, इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल सच एज मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन, मॉलिक्यूल आर रेगुलरली अरेंज, रेगुलर रहेंगे, ठीक है, ठीक। और एमॉर्फस में क्या होता है, ये इरेगुलर होते हैं, ठीक। आप अगर किसी भी पार्ट को अगर काट के देखेंगे तो वह सेम ही आएगा पूरी लेयर में, ठीक है। किसी भी सैंपल को उठा लेंगे सेम आएगा। अब बात करें अगर हम एमॉर्फस की तो उसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, देयर इज ए रेगुलर पैटर्न। उसमें क्या होगा एमॉर्फस में, चलिए इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे NaCl, ठीक है, NaCl हो गया, डायमंड हो गया, सॉलिड आयोडीन हो गया, गोल्ड हो गया, क्वार्टज हो गया, ये सब के एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन क्वार्टज। क्वार्टज आपकी एक समझे स्टेट है मैटर की, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती है। अब देखिए एमॉर्फस, एमॉर्फस में क्या होगा कि ये नॉट इन एन ऑर्डरली फैशन, मतलब कि इनका जो पैटर्न होगा वह ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, बस क्लोज होंगे, ठीक है। तो टीनी ऑर्डरली अरेंज्ड पोजीशन इन है बिटवीन आयंस ऑर्डरली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा बैक में करूँ, देखो इसका शेप देखो कहीं अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, देखो अलग अलग है ना, हाँ। तो इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्ड, ठीक है, डिसऑर्डर मतलब कि निश्चित नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में ग्लास, ठीक है, उसके बाद आपका रबर, ठीक है, फिर प्लास्टिक, ठीक, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब जैसे ये देख लीजिए, हाँ ये ग्लास है ना, तो ये ग्लास आपका क्या दिखा है कि नीचे से आपका क्या है, मतलब ठीक है, मोटा है, और ऊपर क्या है, पतला है, टॉप ऑफ द विंडो और क्या है, थिकर एट द बॉटम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स फ्लो डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ग्रेविटी के थ्रू ये नीचे डाउन होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अच्छा नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि दिस इज एबिलिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड टू फ्लो लाइक लिक्विड। तो एमॉर्फस क्या आपके लिक्विड की तरफ फ्लो भी करते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, पिघलने लगता है, ठीक है। अब क्या है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस, ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस। तो क्या है क्रिस्टलाइन में, सबसे पहले क्या होगा कि इसका अरेंजमेंट जो होगा पोजीशन वह सेम होगा, किसी भी के लिए लेंगे ये सेम होगा, ठीक है। तो सात मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत सात होगा। एमॉर्फस में क्या होगा कि इनका क्या होगा अरेंजमेंट, एवरी पोर्शन ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड इज डिफरेंट फ्रॉम द नेबरहुड, हाँ, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ठीक है, अलग अलग, समझाया। चलिए अच्छा अब हम बात करेंगे कि एंटी, अच्छा आइसोट्रॉफी, ठीक है, तो आइसोट्रॉफी क्या होता है, तो आइसोट्रॉफी का मतलब है कि कोई भी अगर आपका पार्टिकल है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम किसी भी टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या ऑर्डरली चेंज होता है, उस बात को हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आपका है, देखिए ये जो डिस्टेंसेज आपकी हैं क्या है, ये रेगुलर में सब है एक लाइन में, एमॉर्फस में एक में नहीं होंगे, ये लाइन के इधर होगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आपका किस लाइन में, एक सेद में होंगे, हाँ, ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ डिफरेंट
डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल, ठीक है हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब आर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन मतलब उसको जब हीट करेंगे तो फैलेगा कैसे, ठीक है अलग अलग। तो ये अमॉर्फस है, ठीक है, इसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो इनके आगे पीछे होंगे, देखो जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैसे ग्लास होता है ना, ठीक है, ऐसे आप प्लीज में यूज़ करते हैं तो अभी क्या आपका ग्लास ही है, ठीक हाँ। अमॉर्फस में क्या होगा, हाँ ठीक है, इसको जब काटेंगे इरेगुलर होगा, खुरदुरा, ठीक है। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है आपका, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल एंड नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसके बेस पर हम उसको कितने पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, फोर पार्ट्स में, ठीक है। अब देखें इसके टाइप्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और इसके बाद क्या होगा आपका कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। अब मेटालिक सॉलिड, चलिए अब इसको समझते हैं पहले। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, मतलब ये जो सॉलिड बना होगा मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, ठीक है। जैसे कि डायमंड है, तो डायमंड के अंदर कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच ये क्या है, कार्बन कार्बन जुड़ के कार्बन के मॉलिक्यूल से बनाए हैं। अब एक आयनिक होता है, तो आयनिक मॉलिक्यूल से कहते हैं जो आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम को आपको आयन में करना है अगर, तब क्या करेंगे, तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ठीक है, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयनिक, हाँ आयनिक में, ठीक है। उसके बाद क्या है कोवेलेंट, कोवेलेंट तब बनता है जब वह क्या होगा, कोवेलेंट होगा तब जब वह साझेदारी से बनता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आपके बनते हैं उसे बोलते हैं कोवेलेंट, ठीक है हाँ, कोवेलेंट, ठीक, सॉलिड्स। और आपका लास्ट वाला है मेटेलिक, मेटेलिक का मतलब जैसे हाँ मेटल से, जैसे कि आपका हो गया Fe मतलब आयरन हो गया, और इसके बाद गोल्ड हो गया, फिर सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये सब मेटेलिक सॉलिड्स है। आयनिक सॉलिड फिर से, अच्छा इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए कोवेलेंट जो होता है वह आपको बताया जाएगा, ठीक है, कोवेलेंट समझ लीजिए जब साझेदारी से बनता है कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के साझे से, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे है, आपके पास कुछ पैसे है, फिर उसको हम कहीं पर शेयर लगा रहे हैं, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, मेरे पास मान लीजिए 6,000 रुपये है और मुझे 4,000 की जरूरत है, तो मैं किसी से 4,000 ले लूँ तो 10,000 हुआ ना, तो जो काम हम दोनों नहीं कर सकते थे लेकिन अगर हम अपने पैसे को शेयर कर दें तो वह काम हो सकता है। वही होता है कि जब मान लीजिए किसी के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों के पास कम कम इलेक्ट्रॉन है, अगर हाँ दोनों एक साथ में शेयर कर लें तो हो सकता है कि दोनों मिल के काम करें तो एक कंपाउंड बन जाए। तो इस प्रकार के कंपाउंड बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि उदाहरण के CH4, ठीक है। अब देखिए तो CH4 कार्बन है, कार्बन का जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो उसका अगर 2-4 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का H होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के लास्ट सेल में कितना है, चार इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें ये कार्बन
जो कार्बन है इसको समझ लीजिए, ये जो कार्बन है ठीक, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन हो गए ना। देखो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, और इसके लास्ट सेल में कितने हैं, एक एक है ना। अगर ये कार्बन इसको एक दे दे ठीक है, यहाँ पर दे नहीं दे मतलब कि साझे में रख दे, और ये वाला यहाँ पर रख दे, और ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, तब क्या होगा। अब देखिए अगर ये बात की जाए तो कार्बन ही कहेगा कि हमारे पास दो है, हाइड्रोजन ही कहेगा हमारे पास दो है, क्योंकि साझे में किया है ना। जैसे जब बारात आती है, शादी होती है, तो एक लड़का एक लड़की होता है, तो बोलते हैं कि हम बारात जा रहे हैं, तो लड़के की तरफ जाएंगे तो कहेंगे कि मान लीजिए कि राजू की शादी है, तो राजू की शादी जा रहे हैं। माने लड़की की शादी है, हाँ, तो मान लीजिए किसी लड़के का नाम पूनम है, कहेंगे पूनम की शादी में जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जो दोनों को जानता हो, जैसे कि अगुआ नहीं कहते हैं, तो दोनों को नहीं कहते कि बोलेगा कि हाँ अरे आज तो राजू और पूनम की शादी, उसकी शादी में जा रहे हैं, तो दोनों को जानता है ना। इसीलिए जब ये कहेंगे तो कहेंगे ये कार्बन हमारे दोनों के बीच है, इसीलिए कोवेलेंट बोलेंगे। यही तो है CH4 मेथेन, हाँ मेथेन, ठीक है। हाँ नहीं आपकी गैस फॉर्म में, सॉलिड नहीं, ये जो तुम बोले थे कोवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसी तरह से बनता है, तो सॉलिड का एग्जांपल ब्रिक और ये सब होता है। हाँ, तो जैसे मान लो कि अभी ये SI है, ठीक है, SI मतलब सिलिकॉन, तो अब इनके साथ ये ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो अभी जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग के उस पर है, ठीक है। अगर हाँ अब देखो आयनिक में कैसे बनेगा, आयनिक में एग्जांपल है NaCl, तो Na बना आपका प्लस से, Cl बना है माइनस से, तो NaCl आपका सॉलिड है ना क्रिस्टल फॉर्म में, तो इसमें देखिए आयंस बने हैं, सोडियम है और क्लोराइड, ठीक, समझ आ गया। मेटेलिक में आप फॉर एग्जांपल इसे कि लोहा हो गया, ठीक है, हाँ हाँ, जितने भी आपके मेटल से बने होंगे, लेड, लेड, लेड है पीवी प्लम्बम, लेड नहीं जानते हो, हाँ ये पढ़ाया जाएगा, लेड होता है, लेड आपका एक एलिमेंट है, ठीक है, हाँ टी टिन, अच्छा स्टोन करे हो, स्टोनिक एसेन, इसको एसेंस दिखाते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये आपका एक होता है S2+ और SN4+, तो ये आपका स्टोनस है, स्टोनिक है, ठीक है, ये आपके D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चलिए अच्छा समझ आया। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्ट में डिवाइड किया है, आपका पहला है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर आणविक सॉलिड, आणविक ठोस, इसको आणविक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक बोलते हैं हम लोग, आयनिक ही रहेगा, ठीक है, आयनिक, आयनिक ही रहता है। आपका कोवेलेंट को बोलते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक, और मेटेलिक का धात्विक, ठीक है, धात्विक कहते हैं, ठीक है, चलिए अच्छा समझ आया। तो आज यहीं पे इसको ख़त्म किया जाए, नेक्स्ट आपको बताएंगे MRPS के क्लासिक क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ठीक है। Yeah, I can't even begin. Yeah.